तुमसे 20 बार मना कर ली, बाहर कोरोना चल रहा है, बाहर मत जाए करो, तुम्हारी समझ ना आती। तुम तो हो गई बीमार, गैल में मुझे भी करोगे, मो न हो मरने की इतनी जल्दी। मम्मी मैं ना जा रहा कहीं भी, यूं जाना कह रहा है। मम्मी मेरे सगे दोस्त का ब्याह जाना तो पड़ेगा ना। धरी रह जाएगी थारी सारी दोस्ती, कोरोना ना मानता किसी है दोस्त। और मम्मी ये नू भी कह रहा है मैं जाकर रसगुल्ले खाऊंगा। मम्मी झूठ बोला, यू खुद नू कह रहा पनीर की सब्जी खाएंगे रायता गैल। लालची कहीं कहो, लालची किसे कह रहा, तैनी तो गई जाने की पहले। अरे किसी ने भी कुछ भी कही हो, कोई ब्याह शादी में जाएगा नहीं, बात खत्म। मम्मी वो मेरा खास दोस्त है, वने 50 जन में से हम दोनों बुलाए है। अगर मम्मी हम दोनों ना गए ना ब्याह में तो दो जन का खाना बर्बाद जाएगा, रोटी ठंडी हो जाएगी, सब्जी सड़ जाएगी और रसगुल्ले में छेड़ लग जाएंगे। और रसगुल्ले आएंगे तो पैसा गई, सोचो कितना पैसा बर्बाद होएगा। और मैं अपने दोस्त के पैसा बर्बाद होते ना देख सकता मम्मी। वाह जी वाह, दोस्त के पैसा बर्बाद होने की फिक्र है तुम्हें, और तुम जब बीमार होके आ जाओगे मेरा पैसा बर्बाद होएगा, वहाँ की चिंता ना होगी ना तुम्हें। या हमारा चुप घर बैठो, मैं कहीं जा रही हूँ, जब तक वापस ना आऊँ ना घर से बाहर कदम मत ना रख दीजो। पर मम्मी तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो बस बबलू के लौंडा की लगन में जा रही हूँ। मतलब हम सुमना करके खुद जा रही हो, माना होगा करो ना। अरे बेटा मेरा कहा मतलब करो ना सु, मैं तो बस देखने जा रही हूँ बबलू के लौंडा के लगन में कहा कहा मिला, और कहा एक आध सूट मो को भी आएगा वहाँ भी ले आऊंगी, अभी आ रही हूँ मैं सांझ तक, चलो भीतर। ए मम्मी मास्क तो लगा लो। बेटा मेरी समझ में ना आते ये मास्क वास्क, मेरी लिपस्टिक और छूट जाओ उनसे। अरे हाँ जी बाबा जी, इधर कहाँ जा रहे हो? कहीं ना बाबा जी, बस फ्रूटी लेने जा रहे हैं। फ्रूटी आ जा, जाऊंगा मैं जाऊंगा तो फ्रूटी आ जा। पापी नमस्ते। अरे नमस्ते तो थारा पीछा ही ना छोड़ता, कोई भी बात करने चलो गैल नमस्ते नू ना, गुड मॉर्निंग गुड नाइट टेक केयर कुछ और बोल ले, मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ थारी पढ़ाई में, गैल आके नमस्ते को लट्ठ से मार दे। पापा जी गुड नाइट टेक केयर तो बाबू से बोले कर रहे हैं, और तुम बाप हमारे तो फर्क तो बड़ा है ना। अरे वो नई बात मत बता करो। अच्छा वैसा नु बता, फ्रूट लेने जा रहे हैं तुम? हाँ जी बाबा जी। किसकी दुकान पे जाया करो? पापा जी नेत्थू की दुकान पे जावे। क्यों नेत्थू की दुकान पे? क्यों बाकी लौंडे सेट कर रखी होगी तुमने? अपनी सरिता आंटी की दुकान पे जाया करो। क्यों तुमने सरिता आंटी सेट कर रखी है? और वैसे पापा उनकी लौंडे सेटिंग करवाए थे तो वहीं चले जाया करेंगे। पूरा शर्म ना आ रही होगी अपने बाप से ऐसा बात करने में, ऐसी बात मत फेस टू फेस मत करे करो, व्हाट्सएप पर करे करो, व्हाट्सएप चला था बाप। वैसे पापा जी एक बात बताओ, आजकल बहुत दौड़ मार रहे हो तुम, मो लगे सरता आंटी ने कसम दे दी थी क्या? अरे उल्लू का पट्टा, मो यार लॉकडाउन में अपने एप्स क्लियर करने। ए पापा यहाँ उम्र में भी एवर में लगे रहोगे? अरे तुम पागल तो न हो गए? देखो मैं ऐप की बात ना कर रहा हूँ, मैं सिक्स पैक की बात कर रहा हूँ, अगले साल कॉम्पिटिशन लड़ रहा हूँ तेरे बाप है। ए पापा तुम पे सरता का दूल्हा तो बेटा नो, तुम लड़ोगे कॉम्पिटिशन। हल्कम ले रहोगे तू, हल्कम ले रहोगे तुम, हो अगर तेरे एक लात मार दी घुमा के तो तेरा कुछ भी ना होने को। यू तो हमें पता बता कर रहे हो। अरे तो चल तू, हम जा रहे हैं फ्रूटी लेने। अरे पिलाओ अभी फ्रूटी, कोरोना चल रहा भीतर बैठ जाओ, घर कोई नहीं और मैं जा रहा हूँ खेतन पे। ठीक है लो जा ही रहे हो ना, तो सैनिटाइजर ले जाओ अपनी गेल। सैनिटाइजर? अरे यार तेने सारा मूड खराब कर दिया। क्यों अब क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी ना, बस तुम्हें एक शायरी सुनाऊंगा आज मैं। शायरी? क्या कहने कवि के? अरे शुरू तो हो जान दो पहले। ठीक है बाबा जी सुनो सुनो सुनो। अर्ज किया है अरे शुरू तो हो जान दो, गैली बीच में वाह बढ़ा दे तू। ठीक है बाबा सुनो सुनो सुनो। अरे जब से हुआ है मेरा ब्याह, तेरी मम्मी रोज मुझसे लड़ती, और बेटा जो दारू पीते है ना उन्हें सैनिटाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। भीतर को चल, दिमाग खराब कर रखा है मेरा। कोई है? नितिन भैया, ओ मृदुल भैया, यार हुए तो गेट खोल दो कोई। अरे मस्तानी तू? हाँ। पर यहाँ कहाँ कर रहा है? दिखाया नहीं तेरे कुछ लेने आए हैं? कहाँ लेने आया हो? सब्जी। यहाँ मंडी खुल रही है। अरे खाने वाली सब्जी लेने आए हैं। तो पहनने की सब्जी कौन सी हो वे? मेरा मतलब बनी भाई। तेरे बाप ने होटल खोल रखा।
अरे भैया हमारे घर लौकी की सब्जी बनी और लौकी की सब्जी में अच्छी नहीं लगे तो जाके मारे तुम्हारे घर चले आए। तो हमारे घर ही कौन सी पनीर की सब्जी बनी है, करेला बने हुए तक खाएगा? तो कबो कबो तो पनीर की सब्जी बनवा ले, बिल्कुल गरीब ही रहे हो। हमसे ही सब्जी मांगने आयो, हमसे फालतू बोल रहे हैं। भैया देख लेते अगर कोई बढ़िया बनो तो दे देते। हमारे घर चाप बनी है ना दे रेले। जब कोरोना चक्कर में भैया परेशान हो गए, घर लौकी की सब्जी बनी तो अच्छी नहीं लगत और बाजार में कुछ मिलत नहीं और पिज्जा बर्गर बंद ही हो गए, जाके चक्कर में भूखे रह जाए। नितिन यार तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, जब मम्मी ने मना करी है या भगा दे आंसू। मतलब भैया जो कोरोना का चल गो तो मम्मी अपने घर तक भजे आओ। अरे ना भगा रे, चल पर जाके बात कर हम। हां चलो चल, मम्मी लड़े हमारी। तू घर से दूर चल पहले। अरे भैया तुम घर तक इतनी दूर कहां ले भाई जा रहे? हम तो घर से दूर है हमारा लेके जा रहे हैं, अगर हमारी मम्मी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसी का दिक्कत हो जाए। अब वैसे भी तेरी ये गंदी शकल ना कोरोना की कीटाणु से बुरी लगे। बस भैया यही बात ना कह दियो, शकल चाहे कैसी हो लेकिन कोरोना नहीं हो सकत। अरे जब ही तो सु कह रहा हूँ, अगर खांसी का चार झटके भी लग गए ना सही सु तो गैल निवट जाएगा। तू चल दे बेर बेर सब्जी मांगने, तेरे घर कम से कम लौकी तो बनी है ना, हमारे घर करेला बनी है, खाएगा? बस वही वाली बात है ना मेरे, गधा पंजीरी खा रहे और मीठी कम बता रहे। भैया तुम हमें एक चीज बताओ, मोबाइल में रिचार्ज हमारे खत्म होएगो, टीवी मांग रहे है नहीं, बुकरियां चरान जा रहे तो पुलिस वाले मार रहे, तो बताओ हम करा तो करे का? मस्तानी तू एक काम कर, थोड़ी टट्टी खा और मर जा। यार भैया जाए कहाँ रहे, रुको सही। हाँ बता कहाँ है? अरे जाए कहाँ रहे हो? जब तो 20 देर समझा दिया, घर में मन ना लगता तो कोई काम धंधा ही सीख ले। अरे भैया हमने कंप्यूटर सीखने की सोची थी लेकिन कहाँ करें, जब लॉकडाउन में कोचिंग बंद चल रही तो कुछ और ही सीख ले फिर। तो भैया बीड़ी भी वो सीख ले। अरे भैया मार तो ले लेकिन जाए कहाँ रहे हो? अरे हम जा रहे सरिता आंटी की लॉन्ड्री सेटिंग करने। है भैया लेकिन उनकी लॉन्ड्री तो मटका सेटिंग है। खाइयो माँ कसम। माँ कसम भैया। भाई अगर ये बात सही निकली ना तो मटका फोड़ दूंगा मैं। तो ठीक है भाई, सेटिंग जुबाद में पहले मटका से मिल ले रहे हैं। चल मस्तानी आ जा। मटका, ओ मटका, ये मटका बाहर आ जा यार। बन्ना बोल ले, मटका, ओ मटका। अरे कहाँ है? अरे यहाँ कू आ जा। अरे यार तुम पागल तो न हो, थोड़ा मंदा चिल्ला ले करो, घर पापा भी है मेरे, अभी सुन लेते ना रेल बना देते मेरी। अरे तेरे पापा मंत्री है कहीं का? नो भाई है तो प्रॉपर्टी डीलर ही। तो हम का तेरे पापा की रजिस्ट्री फाड़ रहे हैं। ए नो भाई मेरे पापा लॉकडाउन में कहीं जान ना दे रहे मो, और मेरे पापा ज्यादा दोस्त वोस्त मेरे पसंद ना। तू एक काम कर अपने पापा ही बुला के ला, तेरे पापा ही देखूं पहले। और वैसे भी हमें भी तेरा बाप पसंद ना, वो तो हमें हमारे नमस्ते कर ले, तेरे पापा ने ना हमारे पापा की सेटिंग करवाई और अब तू हमारी सेटिंग करवाएगा। किसु जिसु तू कर रहा हो? तो मेरी तो कोई सेटिंग ही ना। अरे मस्तानी यू तो मना कर रहा हूँ। कह रहे सरतान देख लौंडे, तू सेटिंग नहीं कर रहा हूँ। अरे मस्तानी मतलब तेने सब कुछ बता दिया, मैंने तो ये बता गलती करी दिखाई। काय बताया नहीं भैया, आए जय भाई हर महीना 100 ग्राम पनीर खवाते हैं। अरे यार भाई अब मेरी कहाँ गलती यार, वो मुझे खुद कह रही सेटिंग करने को। अगर तो खुद भी सेटिंग करना चाह रही है ना तो तू जब भी मत करियो, क्योंकि वो सेटिंग तो हम दोनों करेंगे। और भैया हम क्या करें? अरे मस्तानी तू थोड़ी देर रुकी जाए कर, दो लोग बात कर रहे हैं यार। और सुन मटका, अगर तू गली में दिख गया ना तो तेरी यार थू तो इंगे सुंगे कर दूंगा, समझ गो? तेरे गाली मारी मैं। अरे भाई यार मकान तो बहुत टॉप का बना रखा है इनने। यहाँ का मतलब कि हमारे ससुराल बहुत मालदार है। हमें भी ब्याह में बहुत दहेज मिलेगा। अब एक काम करूंगा, इनकी लॉन्ड्री सेटिंग करूंगा, फिर ब्याह करूंगा और यह प्लॉट अपने नाम करवा लूंगा। भाई सही कह रहा, और वैसे भी घर में जो ना दो गेट है, एक गेट तेरा एक गेट मेरा, हमारी बहुओं में लड़ाई भी ना होगी। सही कह रहा कतई। बस यार लॉन्ड्री ना दिखाई दे रही। लॉन्ड्रिया लॉन्ड्रिया हमें पता कहाँ है? कहाँ है? भीतर है। तो यूं तो हमें पता, हमें पता है, हमें पता हुई बात तो पाई एक नंबर का। कौन सा रूम है वहाँ का? पता नहीं यार दिखता रही ना। बक क्या देख रहे तुम? मेला लग रहा, मेला देख रहे। मेला लग रहा तो झुल्लोगे? अरे यार तू कहाँ ले जा वजह हंसू। भाई मैं इस मारे पूछ रहा हूँ, घर बहुत बढ़िया लग रहा, तुम्हें पता है घर किसका है? हमारा ही है, दामाद हम यहाँ घर के। अच्छा दामाद हो तुम इस घर के, क्या नाम है थारी बहू का? ज्योति नाम है। वो ज्योति का भाई हूँ मैं। भाई मोरे बुलाया ये जुले क्या है भाई? भैया हमें क्या बता रहे, कैसा आया? भैया मैं तो जेल वाली आई, मेरी बहन बहन रहे हैं, लाइन मारना आया था ना भैया।
लाइन मारने आया था है? राम राम जी, कैसे हो सारे सारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, और शेयर जरूर करना, उनसे पूछना कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आप सबको कैसी लगी। और आप सबको बताइए कि कोरोना की महामारी की वजह से माहौल थोड़ा खराब चल रहा है, इस वजह से हम सब लोगों ने मिलकर वीडियो अपने इंडोर घर घर में शूट करके, थोड़ी बहुत गली में शूट करके ही बनाई है और बाहर कहीं नहीं गए। तो ऐसे ही आप सब भी अपना ध्यान रखें, जब तक हर चीज व्यवस्थित नहीं हो जाती आप लोग भी बाहर ना जाए। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, और अगर घर में मन ना लगता हो तो नितिन मृदुल की वीडियो बैक टू बैक देखो, दिन में 6 बार देखो, पर बाहर मत जाओ। तो और बाकी हम लोग भी अपना थोड़ा टाइम काट रहे हैं घर में कैरम वैरम बल्ला खेल के, आप सबको खेल लो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज फेंक के मारो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और सारे भाई खेलेंगे, मौज तो लेंगे ही। आप सबको सारे अपडेट मिलते रहेंगे इंस्टाग्राम पे, आ जाओ तो वहां। और आप सब अपना अपना ध्यान रखो, कोई बाहर नहीं जाएगा। इंग्लिश में बताइए फिर। स्टे होम स्टे सेफ, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।